गैलियम का एक बूंद ताले को तोड़ सकता है। सोडा कैन पे गिराने पर बस कुछ मिनट में आप इसे पेपर की तरफ फाड़ सकते हो। चम्मच इसमें डालोगे तो चम्मच भी पिघल जाएगा, और अगर गलती से आपके लैपटॉप पे गिर गया फिर तो आपका लैपटॉप भी खत्म। तो सोचो अगर यही लिक्विड आपके हाथों पर गिर गया तो क्या होगा। तो टेंशन मत लो, ये सिर्फ एल्युमिनियम स्टील के साथ ही रिएक्ट करता है, आपके हाथ को कुछ नहीं कर सकता। अब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे कुछ भी रख दो, उसका कीमा बना देगा। और जब इस छोटे से ग्लास को हाइड्रोलिक प्रेस के अंडर रखा गया ये उल्टा हाइड्रोलिक प्रेस को ही पिचका दिया। दरअसल इसे प्रिंस रिवर्स ड्रॉप कहते हैं, उसको आइस वाटर में ऐसे ड्रिप करके बनाया जाता है, जो ऑफ कोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बुलेट भी इसके आगे नहीं टिकती। और जब इसके स्टील वाले पार्ट को पकड़कर क्रश किया जाता है तब ये पूरा शैटर हो जाता है। अब लेजर एक ऐसी चीज होती है जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम रस्टेड चीज को भी इजिली क्लीन कर देता है। तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि लेजर इजिली टैटू को भी रिमूव कर सकता है, तो कर तो सकता है पर वैसे नहीं जैसे आप सोचते हो। जैसे लेजर रिमूविंग टेक्निक में लेजर क्या करता है कि टैटू के इंक पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम के लिए उसे रिमूव करना इजी हो जाता है। अब सोडियम पॉलीक्राइलेट एक ऐसा केमिकल होता है जिसमें एक्सट्रीम वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। मतलब देख रहे हो ना, सिर्फ इतने से केमिकल में इतना पानी डाल दिया और ये पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। और हाँ, डायपर्स में यही होता है।